पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर अपना जीवन बलिदान कर देने वाले पुलिस कर्मियों को सीएम योगी ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक सलामी दी। पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कर्मियों को दिवाली गिफ्ट देते हुए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि यूपी पुलिस के लिए साइकिल भत्ता 200 रुपए से बढ़ाकर 500 कर दिया है, अब ये मोटरसाइकिल भत्ता कहा जाएगा। पुलिस कर्मियों के 5 लाख के मेडिकल बिल अब शासन के अलावा डीजीपी भी पास कर सकेंगे। पुलिस कर्मी ई पेंशन पोर्टल से जोड़े जाएंगे। वही पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर डीआईजी जे रविंद्र गौड़ व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर अपना जीवन बलिदान कर देने वाले पुलिस कर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक सलामी दी गई, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन के शहीद ग्राउंड पर जनता की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी पुलिस कर्मियों एवं शहीदों को नमन किया गया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल जनता की सुरक्षा के लिए हर समय और हर परिस्थिति में तैयार रहती है तथा समय आने पर उच्च बलिदान देने में पीछे नहीं हटते हैं। इस अवसर पर डीआईजी जे रविंद्र गौड़, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, एसपी रेलवे अभय सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी डी के सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए आपके साथ हैं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान, अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी डॉक्टर के एस प्रताप कुमार तथा पुलिस महानिदेशक के जीएसओ अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर एन रविंदर। शोक पुस्तिका वाहक दल परेड मैदान के दाहिने किनारे से चलता हुआ
स्मृति दिवस 2022 जन सेवा का उच्च आदर्श हृदयंगम किए अनेकों पुलिस जन प्रतिवर्ष कर्तव्य पथ का अनुगमन करते हुए वीर गति को प्राप्त होते रहे हैं। पुलिस जनों के कार्य की प्रकृति की कुछ ऐसे है कि इसमें कदम कदम पर जोखिम व जीवन भय सन्निहित है। यही कारण है कि प्रतिवर्ष अपने कार्यों को अंजाम देने की प्रक्रिया में पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में कर्तव्य की बलिवेदी पर अपनी प्राणाहुतियां देते रहे हैं। अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए जन सेवा के उच्च आदर्श की प्राप्ति में मर मिटने से भी गुरेज ना करने वाले ये पुलिस जन मर कर भी अमर हो जाते हैं। इनकी कीर्ति व यशोगाथा समय के साथ क्षरित नहीं होती अपितु तो अविरल अनुप्रमाणित करती रहती है। पुलिस की भावी संततियों को उसी पथ पर द्विगुणित साहस व मनोयोग से आगे बढ़ने के लिए ऐसी एक गाथा आज से 63 वर्ष पुरानी है। भारत की उत्तरी सीमा लद्दाख का जनहीन क्षेत्र 15,000 फीट से ऊंची बर्फ से ढके पर्वतों दर्रों के बीच जहां की सामान्य नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध होने की कल्पना तक नहीं की जा सकती वहां सदैव की भांति उस दिन भी देश की सीमा के सजग प्रहारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान अपने नियमित गश्त पर निकले थे। गश्त के दौरान अचानक उन्हें लगा कि वे शत्रु से गिर चुके हैं। चीनी सैनिकों ने छल पूर्वक हमारे क्षेत्र में आकर हमारे ही सिपाहियों को पकड़ने के लिए एम्बुश लगाया था। चीनियों ने दावा किया कि वो क्षेत्र उनका है पर भारतीय पुलिस के जवान जो कि अपने परिजनों को छोड़ सुख सुविधा से दूर उस निर्जन क्षेत्र में मातृभूमि की रक्षा का प्राण लेकर आए थे अपनी मातृभूमि का एक इंच टुकड़ा भी शत्रु को कैसे सौंप देते। प्राण देकर भी मातृभूमि का रक्षा करने की भारतीय बहादुरों की परंपरा पर उन्होंने आंच नहीं आने दी तथा साधारण शस्त्रों के सहारे ही ये जवान स्वचलित राइफलों व मोर्टारों से लैस चीनियों से भिड़ गए। इस प्रकार भारतीय पुलिस के 10 बहादुर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। इस घटना का समाचार पाकर सारा राष्ट्र स्तब्ध रह गया। 21 अक्टूबर 1959 का ये दिन हमारे जवानों की प्रेरणा का एक अनन्य स्रोत बन गया। मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों तक का उत्सर्ग कर देने वाले बहादुरों का बलिदान सदैव हमें अपने कर्तव्यों के प्रति दृढ़ रहने की प्रेरणा देता है। अंजलि अर्पित करते हैं, शत शत नमन उन बहादुरों को जिनके लिए कर्तव्य पालन प्राणों से भी अधिक प्रिय रहा। दिनांक 1 सितंबर 2164 पुलिस जनों द्वारा कर्तव्य की वेदी पर अपनी जीवन आहुतियां दी गई जिसमें आंध्र प्रदेश से 8, असम से 4, बिहार से 7, केरल 1, मध्य प्रदेश 16, मणिपुर 1, नागालैंड 1, उड़ीसा 2, राजस्थान 3, सिक्किम 6, तमिलनाडु 3, त्रिपुरा 1, सीआरपीएफ 6, सीएएसएफ 6, सीआरपीएफ 30, आईटीबीपी 14, एनएसजी अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं अब उन 7 वीर जवानों फतेहपुर दिनांक 31/3/2022 को थाना सुल्तानपुर घोष में नियुक्त निरीक्षक वीरेंद्र नाथ मिश्रा को 10:30 बजे वाहन संख्या यूपी 71AS8582 हीरो स्प्लेंडर प्लस के चालक नरेंद्र पासी व पीछे बैठे उसके मृत घोषित कर दिया गया। इस प्रकार उप निरीक्षक वीरेंद्र नाथ मिश्रा द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी गई। इसको थाना दादरी जनपद गौतम बुद्ध नगर पर नियुक्त उप निरीक्षक नागरिक पुलिस खादिर का जीडी संख्या 11 समय 9:48 बजे मुकदमा गणों को पुलिस की भनक लगते ही अभियुक्त गण कार से ग्राम जड़ौली से ग्राम मोदीपुर करनाल की तरफ भागे। उनकी कार का पुलिस द्वारा पीछे
देखिए आज पुलिस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में जनपद गोरखपुर के पुलिस लाइन में शहीद स्मारक पर जनता की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी पुलिसकर्मियों को शहीदों को आज यहां पर नमन किया गया है। सुरक्षा बल जनता की सुरक्षा के लिए हर समय हर परिस्थिति में तैयार रहते हैं और समय आने पर सबसे उच्च बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटते हैं। मैं आज पूरे पुलिस परिवार की तरफ से उन सभी वीर बलिदानियों को हमारे सभी पुलिसकर्मियों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी को नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महिला कार्मिकों के पुलिस भर्ती के लिए 20% आरक्षण की व्यवस्था हो या प्रदेश के अंदर 3 महिला पीएससी की बटालियन के गठन की प्रक्रिया, ये सभी कार्य विगत 5.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिए पुनर्गठन और उनके आधुनिकीकरण के क्रम में भी किया गया। हम लोगों ने अनेक कदम उठाए हैं शासन स्तर पर भी, आज उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। आज भी हम लोगों ने जो बहुत दिनों से मांग थी, पुलिस कार्मिकों को 200 रुपये साइकिल भत्ता मिलता था,
अब हम इसे 500 रुपये मोटरसाइकिल भत्ता के रूप में पुलिस के जवानों को उपलब्ध कराएंगे। ई पेंशन की स्कीम लागू करने के साथ ही अन्य कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने की भी आज घोषणा की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश का यह सबसे बड़ा सिविल पुलिस का बल देश के सबसे बड़े राज्य में कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति को बनाए रखते हुए प्रदेश में कानून का राज को बनाए रखने में जो भूमिका उन्होंने अब तक निभाई है इसको और मजबूती के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन करेंगे। मैं सभी उन पुलिस जवानों को जिन्होंने कर्तव्य पथ पर अपने आप को बलिदान किया है प्रदेश शासन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।